देखिए उनको तो बनना ही था एक ढंग से, समझिए कि माने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार वही थे। शशि थरूर जरूर कंटेस्ट किया उन्होंने और उनके वजह से ही एक दिखाई दिया कि नहीं साहब, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए खड़गे साहब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और बहुत सीनियर आदमी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और शुरू से अंत तक वो गांधी परिवार के एकदम निष्ठावान समझिए व्यक्ति के तरह हैं। और तो और उनके पोता पोती का नाम भी प्रियंका और प्रियांशु और इसी आधार पर है। अब भले ही खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी जो बोलेंगे वही जो है आधिकारिक बात जो है कांग्रेस की मानी जाएगी। तो नेता तो भले पद जो है खड़गे साहब को मिला, लेकिन पार्टी का एक ढंग से आलाकमान तो राहुल जी ही रहेंगे। और राहुल जी को अभी जो भारत जोड़ो यात्रा में रिस्पांस मिल रहा है वो मैंने उससे उन लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस का फिर से पुनर्जीवन जो है वो प्राप्त हो सकता है। अब देखिए भविष्य के गर्भ में है, क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सबको मिलकर फासिस्ट ताकतों के साथ लड़ेंगे। हाँ ठीक है, इसमें तो हम लोग भी उनके साथ ही हैं। हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि देश के सामने लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, भले मन जो बोलने की आज़ादी है उस पर खतरा है। जिस तरह से धड़ल्ले से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ हो रहा है, एकदम चिंताजनक बात है, चिंताजनक बात है। और प्रधानमंत्री जी जो देश की मूल समस्याएं हैं उनका कभी जिक्र नहीं करते हैं अपने भाषण में। लेकिन शशि थरूर ने आप कुछ बातें कही हैं जिससे चुनाव जीता गया है, उन्होंने पत्र भी लिखा है मधुसूदन मिस्त्री को जिस तरह से चुनाव जीता गया है, मैं जिस चीज से स्टेट में गया वहाँ के प्रेसिडेंट हमसे मिले ही नहीं कांग्रेस के। शशि थरूर ने मधुसूदन मिस्त्री को पत्र भी लिखा है और कहा कि मैं कुछ स्टेट में जहाँ गया वहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट हमसे मिले ही नहीं। कई जगह ऐसा हुआ, कुछ उन्होंने उनका दर्द भी है, कई जगह ऐसा हुआ है। बिहार में भी आए तो बिहार के कांग्रेसी नेता तो उनसे मिलने मिले नहीं। ये हमको लगता है कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीका हुआ। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी को कहा गया कि साहब आप उनको रुकिए कि चुनाव नहीं लड़ें, उन्होंने कहा कि नहीं क्यों हम रुकेंगे, वो अच्छा है और उनकी तारीफ किया, शशि थरूर का तारीफ किया। ऐसी हालत में वोट देना नहीं देना जो मतदाता है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो उम्मीदवार है वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, उससे नहीं मिलना, उसको अनदेखा कर देना, ये हमको भी लगता है कि उचित नहीं था। शिवानंद तिवारी जी, गाजियाबाद का एक मामला है, 5 आदमी ने दिल्ली की महिला के साथ 2 दिन तक बलात्कार किया, प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज किया, NCW ने जवाब तलब किया है पुलिस अधिकारियों से, जल्द से जल्द इस मामले में क्या आपने कार्रवाई की, उन्होंने जवाब दिया। देखिए पूरे देश में लगता है कि सेक्स के मामले में परवर्सन हो गया है, भारतीय समाज जो है वो रोगी हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के जरिए ये हो रहा है, 10 साल 11 साल के बच्चे जो है बलात्कार कर दे रहे हैं और बलात्कार के शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है, वीडियो जो है वायरल किया जाता है, कई जगह लड़कियों ने आत्महत्या किया, ऐसी हालत हो गई है कि छेड़खानी से परेशान होकर के लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, ये खबर जो है अखबारों में छप रही है। ये एक भारतीय समाज जो है वो भीतर से लगता है कि सड़ता जा रहा है, एक तरफ जो है जो विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है और दूसरे तरफ जो है एक सड़ांध जो है, एक बदबू जो है भारतीय समाज में साफ साफ दिखाई दे रही है। ये भारत जो माने जो दावा करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, वो कहते हैं मुसलमानों को कि घुस के मारेंगे, इस तरह का डायलॉग जो है बोला जा रहा है, ये हिंदू धर्म के प्रतिकूल है। हिंदू धर्म तो ऐसा धर्म रहा है जो समस्त माने जीव जंतु मानव समाज को तो छोड़ दीजिए, जीव जंतुओं को वनस्पतियों के भी कल्याण की कामना करता है,
समस्त सृष्टि को के कल्याण की बात करता है। उस हिंदू धर्म को जिस ढंग से अपवित्र किया जा रहा है, उसको जिस ढंग से मैंने भलगराइज किया जा रहा है, उसकी तो कल्पना जो है नहीं की जा सकती थी इसके पहले। रुपया अभी सबसे लोएस्ट स्तर पर है, 82.95 पर डॉलर हो गया है। उसके बारे में तो मैंने निर्मला सीतारमन जी कहेंगे कि रुपया जो है वो कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। यही हालत है। एक समय जब 64 रुपया 65 रुपया एक डॉलर की कीमत हो गई थी, उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा, देश कमज़ोर हो रहा है। जब देश का नेता कमज़ोर होता है तब जो है रुपया कमज़ोर होता है। और अब जो है कहा जा रहा है कि नहीं सर, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। अद्भुत हालत है। इसके बारे में कहीं कोई चिंता जो है प्रधानमंत्री की ओर से मैंने प्रकट नहीं की गई है। नगर निगम चुनाव जो कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था, उसमें कोर्ट ने एक तरह से रास्ता साफ हो गया है, चुनाव दिसंबर तक हो सकता है, अभी फैसला आया है। सरकार गई थी, पुनर्विचार याचिका उन्होंने दायर किया था, जो हाईकोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। एक और मामला है किशनगढ़ से संबंधित है। एक प्रश्न पत्र आज वहाँ साथी क्लास का आया, जिसमें कश्मीर को अलग देश ही बता दिया गया है। पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है इसके बारे में। ये गलती है तो भयंकर गलती है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की होनी चाहिए। आरएसएस के नेता हैं दत्तर से हसबुले ने कहा है कि धर्म परिवर्तन एंड जो और जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, ये पॉपुलेशन के बढ़ने का कारण है। ये सब मूर्ख लोग हैं। आरएसएस जो है वो मूर्खों की जमात है। ये कहीं से जो तथ्य है सामने, वो तथ्य ठीक इसके उल्टा बता रहा है। तथ्य ये बता रहा है कि साहब भारत की जो आबादी का वृद्धि दर था, वो वृद्धि दर रुक गया है। और ये भी बता रहा है कि जो मुसलमानों का जो वृद्धि दर था उसमें काफ़ी कमी आई है, हिंदुओं के बनिस्पत मुसलमानों के आबादी में कमी आई है। और बांग्लादेश की स्थिति जो है भारत से हर मामले में बेहतर है। शिक्षा की स्थिति हो, भोजन की स्थिति हो, रोजगार की स्थिति हो, सबसे बेहतर है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लोग जो है वो हमारे यहाँ भाग करके आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आ रहे हैं इसीलिए आबादी बढ़ रही है। भाई आपके सामने तथ्य क्या है, किस आधार पर आप बोल रहे हैं वो आप बताइए। अभी भारत सरकार जो है पार्लियामेंट में ये कह रही है कि नहीं साहब, किसी तरह के कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार जो नीति चला रही है उस नीति का फायदा दिखाई दे रहा है। और खुद कबूल किया है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कबूल किया है कि साहब ये पूरे आबादी पर जो अंकुश लगना चाहिए वो स्वतः लग रहा है। खुद कबूल कर रहे हैं। हंस भले साहब एक दूसरा राग आलाप रहे हैं।